हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीतल और आप देख रहे हो ब्रेन विथ ब्यूटी। आज मैं आपके लिए लाई हूं कुछ नया वीडियो और ये वीडियो होने वाला है विंटर हैक के लिए। पूरी बॉडी स्किन के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। ये बहुत ही इजी मेथड है, डीआईवाई में आपको बताने वाली हूँ। जरूर से आप ये ट्राई करिए, आपकी बॉडी की स्किन हो जाएगी बहुत ही सॉफ्ट। तो जरूर से फ्रेंड्स ट्राई करिए और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हैक नंबर 1 है बॉडी बटर के बारे में। आज हम घर पे बनाएंगे बॉडी बटर। उसके लिए आपको लेना है 2 से 3 चम्मच घी। इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए क्योंकि ये एक स्मूथ पेस्ट हो जाए। उसके बाद हम ले रहे हैं एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं 2 स्पून जितना एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एलोवेरा जेल लेने के बाद हमें लेना है यहाँ पे आलमंड ऑयल। 1 स्पून मैंने यहाँ पे लिया है आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। मैंने यहाँ पे 1 स्पून ग्लिसरीन लिया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे। उसके बाद मैं ले रही हूँ वैसलीन। 1/2 स्पून जितना मैंने यहाँ पे लिया है वैसलीन। वैसलीन लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे ये क्रीम के फॉर्म में होने लगेगा। अगर आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इसे डीप फ्रीजर में रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए और ये आपका रेडी है बॉडी बटर। नहाने के बाद आप तुरंत ही आप इसे अपनी बॉडी में लगा दीजिए और आपकी स्किन हो जाएगी बहुत ही सॉफ्ट। हैक नंबर 2 है क्रैक हिल्स के लिए। अक्सर विंटर में हमारे हिल्स क्रैक हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लुकवॉर्म वाटर ले लीजिए अपने बाथ टब में। उसमें 10 मिनट के लिए पैरों को रख दीजिए। उसके बाद आप स्टोन से जो डेड स्किन है उसे रिमूव कर दीजिए और रिमूव करने के बाद कैंडल को हमें मेल्ट करना है डबल बॉयलर प्रोसेस की मदद से। अच्छे से इसे मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट होने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए और बर्तन को बाहर निकाल लीजिए और ऐसे ही आप मिक्स करते जाइए। ये ऑटोमेटिक क्रीम के फॉर्म में होने लगेगा। कॉन्स्टेंटली आप इसे मिक्स करते रहिए वरना ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, क्रीम फॉर्म में नहीं आएगा। जब ये आपको लगे कि अभी ये क्रीम फॉर्म में हो रहा है तो जल्दी से आप अपनी फटी एड़ियों में ये लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आपको लगे कि ये फिर से सॉलिड हो गया तो आप डबल बॉयलर प्रोसेस की मदद से आप फिर से उसे मेल्ट कर सकते हो। इस तरह से आप उसको लगाना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल मेथड है लगाने की। जल्दी से आपको लगाना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है वरना ये अच्छे से नहीं लगेगा। आप इसे रात को लगा के सो जाइए। दूसरे दिन मॉर्निंग में आप ये वैक्स निकाल दीजिए अपने पैरों से और आप इसे कैरी बैग में रख दीजिए। आप फिर से इसे यूज़ कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपने पैरों में वैक्स लगा लेते हो उसके बाद आपको सॉक्स पहन लेने हैं। हैक नंबर 3 में हम बनाने वाले हैं लिप बाम। इसके लिए आपको लेना है 1 स्पून जितना घी। उसके बाद उसमें आप कोई भी वैसलीन ले लीजिए या लिप बाम ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। वो लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप जितना बादाम ऑयल। मैं यहाँ पे टिंटेड लिप बाम बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिक्विड लिपस्टिक का। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो या फिर आपको जो पसंद हो वो कलर की लिपस्टिक आप ले सकते हो। आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको इसे अच्छे से स्टीम करना है। हल्का सा आपको स्टीम करने के बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसे कोई भी खाली कंटेनर ले लीजिए लिपस्टिक का और उसमें ऐड कर दें। इसके बाद आपको इसे स्टोर करना है डीप फ्रीजर के अंदर। जब भी आपको लगे कि आपके लिप्स बहुत ही क्रैक हो रहे हैं तो जल्दी से आप इसे अपने लिप्स पर लगा दीजिए और आपके लिप्स हो जाएंगे सॉफ्ट। फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आपका फेस केकी और पैची लग रहा है तो ये हैक आपके लिए है। ज़रूर से ट्राई करिए। आपको लेना है फाउंडेशन और उसके अंदर आपको डालना है 2 से 3 ड्रॉप जितना फेशियल ऑयल। ये दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हल्का सा मिक्स करने के बाद आप इसे अपने फेस पे लगा दीजिए। डॉट डॉट करते हुए आपको लगाना है।
और अगर गाइस आपको मेरे ये विंटर हैक के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये ट्राई किया और आपको ये कैसा लगा। इसके बाद आप क्या करिए, ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर दीजिए। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है तो आपका फेस बहुत ही क्लीन सॉफ्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स आज की बिग अनाउंसमेंट ये है, मेरे वीडियो की जो भी प्यारी कमेंट होगी वो मैं स्क्रीन पे फ्लैश करूंगी और आप जरूर से मुझे कमेंट करिए क्योंकि आपका भी नाम वो कमेंट के साथ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे लाइक करते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सेफ रहिए।